Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.1, question number 3, question number 4, 5 और 6 आज हमारे पास मौजूद हैं. इन क्वेश्चंस में हमने आइडेंटिफाई करना है इवन नंबर्स को, ऑड नंबर्स को, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इसके बारे में मालूमात जानने के. इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होते हैं. इवन नंबर को कैसे हम पहचानेंगे कि जो नंबर है ये इवन है या ऑड है? किसी भी नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो नंबर इवन नंबर कहलाता है. फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर देखता हूँ यहाँ पे 5, 5, 9, 3, 4, 2. अब इतना बड़ा नंबर हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें पहचान है इवन नंबर की तो हम फौरन देखेंगे कि इसका आखिरी डिजिट कौन सा है. अगर आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर है तो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा. अगर इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई नंबर आ जाएगा तो वो ऑड नंबर कहलाएगा. प्राइम नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्रीवियस हमने क्लास में भी इसको स्टडी किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीजें हमने जानी है. इवन नंबर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स के फैक्टर्स की तादाद दो, एक उसका फैक्टर वन हो दूसरा हो इटसेल्फ खुद हो, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है. और याद रखिएगा इवन नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है वो है 2. इसके अलावा इवन नंबर में कोई और प्राइम नंबर मौजूद नहीं. बाकी जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपको किसमें मिलेंगे? ऑड नंबर्स में, प्राइम नंबर मिलेंगे. तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें आपके जो गिवन नंबर है उसके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज्यादा हो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. कहते हैं लिस्ट द नेक्स्ट 10 इवन नंबर आफ्टर 51. 10 इवन नंबर्स लिखने हैं किसके बाद? 51 के बाद. अब 51 के बाद पहला इवन नंबर कौन सा बनता है? 52. फिर 54. सिर्फ इवन नंबर लिखने, ऑड नंबर नहीं लिखने. 51 के बाद उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए? 10. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 एंड 70. गिन लेते कितने इवन नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 51 के बाद 10 इवन नंबर्स हमने लिख लिए. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं. लिस्ट द नेक्स्ट 10 ऑड नंबर्स आफ्टर 82. 82 के बाद जो 10 ऑड नंबर्स आएंगे वो हमने लिखने. ऑड नंबर्स की पहचान क्या है? कि उनके आखिर में 1, 3, 5, 7 या 9 मौजूद होता है. 82 के बाद पहला ऑड नंबर क्या है? 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 and 99. गिन लेते कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 82 के बाद 10 और नंबर्स मैंने आपके सामने लिस्ट कर दिए. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे. सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर. मैंने आपको बता दिया इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इनको सेपरेट कैसे करना है. दो कॉलम बना लेंगे, एक में इवन नंबर्स लिखेंगे, एक में ऑड नंबर्स लिखेंगे. सिर्फ आपको पहचान हो इवन नंबर कौन से और ऑड नंबर कौन से, आप बहुत आसानी से इनको अलग कर सकते हैं. इवन नंबर्स की पहचान क्या है, क्या आइडेंटिफिकेशन है? जिस नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो क्या रिकग्नाइज होंगे? एज अ इवन नंबर रिकग्नाइज होंगे. जिनके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए वो क्या रिकग्नाइज होंगे? ऑड नंबर्स. अब इन नंबर्स में जो इवन नंबर्स है वो मैंने लिस्ट कर दिए. 16 आखिरी डिजिट इसका 6 है, इवन नंबर में शुमार होगा. 304 लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर में शुमार होगा. 220 लास्ट में 0 आ रहा है इवन नंबर में रिकग्नाइज होगा. इसी तरह 38, 46, 68, 70, 90, 712, 2 एंड 24. इस सब के सब क्या कह रहा है? इवन नंबर्स कह रहा है. इसको मैंने इवन नंबर के कॉलम में लिख दिया. अब इन्हीं में से ऑड नंबर जो रिमेनिंग नंबर है वो ऑड नंबर्स कहलाएंगे, जो आप जो है ऑड नंबर के कॉलम में
लिस्ट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है सेपरेट द कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। ये कुछ नंबर्स गिवन है, इसमें से कंपोजिट नंबर मतलब जिनके फैक्टर्स की तादाद दो से ज्यादा है उसको और प्राइम नंबर्स को अलग करना है। कुछ आइडेंटिफिकेशन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि जो नंबर टू पे डिवाइड होते हैं, थ्री पे डिवाइड होते हैं, फोर पे, फाइव पे, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन और कैसे हमें पता चलेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। इवन नंबर्स में तो एक चीज कॉमन है कि टू के अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं सारे के सारे कंपोजिट हैं। ऑड नंबर्स में हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि वो नंबर जो है कंपोजिट है या नहीं। अब स्टार्ट करते हैं 41। 41 प्राइम नंबर है, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक वन और एक एक्स। 45 जब दो नंबर्स को आपस में ऐड करें और वो 3 के टेबल का मल्टीपल बन जाए तो वो क्या कहलाता है, 3 के टेबल की वैल्यू बन जाता है। और किसी नंबर के आखिर में 0 या 5 आ जाए 5 के टेबल में भी आता है। अभी 45 जो है 3 के टेबल की में भी आता है, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 1 भी है, ये खुद इटसेल्फ भी है, तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर में रिकॉग्नाइज होगा। इसी तरह 51, देखिए 51 किस टेबल में आता है, 51 17 के टेबल में आता है, तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर में रिकॉग्नाइज होगा। 47 प्राइम नंबर में। इसी तरह 56 इवन नंबर है, मैंने आपको पहले बता दिया कि सिवाय 2 के जितने भी इवन नंबर है सारे के सारे कंपोजिट नंबर में आएंगे। 56 जो है कंपोजिट नंबर, इसी तरह 57 भी कंपोजिट नंबर है, 60 भी कंपोजिट नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, 63 कंपोजिट नंबर है, 68 इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है डेफिनेटली वो जो है 2 के अलावा जितने भी आएंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। 70 भी इसी तरह, 81 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है, 87 भी कंपोजिट नंबर है, 89 प्राइम नंबर है, और 91 हमारा कंपोजिट नंबर है। इसी के साथ आज की ये एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह कल हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी।